अस्सलाम वालेकुम लूज स्टॉक के साथ सर प्लीज़ रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है अच्छा मैं पानी मिला रहा था अस्सलाम वालेकुम लूज स्टॉक के साथ अनवर मखसूद आपकी खिदमत में आज लूज स्टॉक में मेरे मामा आज लूज स्टॉक में मेरे मेहमान हैं एक इकोनॉमिस्ट आपका नाम जाना पहचाना है अपने ज़माने में बहुत मशहूर थे कई किताबें लिखी और मैंने दावत दी है इनको पाकिस्तान की इकॉनमी पर बात करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं इन थोड़े दिनों में हमारी इकोनॉमी बहुत पावरफुल इकोनॉमी हो जाएगी सॉरी सॉरी जैसा कि हम सब जानते हैं थोड़े दिनों की बात है हमारी इकोनॉमी इन बहुत पावरफुल हो जाएगी <laughs> सर ये जब मैं कहता हूँ हमारी इकोनॉमी बहुत पावरफुल हो जाएगी जब भी आप ये फगवारा छोड़ते हैं hmm. या तो पहले छोड़ लें या थोड़ा पे नहीं ये टाइम पे छुटता है ऐसी जब कोई बात आती है तो फुहारा छूटता है ऐसे जबरदस्ती नहीं छूटता ऐसी बात करने से गुरेज करें जिसमें मेरा छुटे बात को आगे बढ़ाए बात को आगे बढ़ाओ जैसा कि हम सब जानते हैं ओ सब जान चुके आगे बात करो भाई जैसा कि हम सब जानते हैं थोड़े दिनों में हम एशियन टाइगर कहलाएंगे <laughs> पाकिस्तान का किसी जू में जाना रह गया है और अगर ये टाइगर जो है ये पता नहीं कौन से जू के अंदर किस पिंजरे में जाके कह दूंगा एशियन टाइगर का मतलब है हमारी इकोनॉमी बहुत पावरफुल हो जाएगी और जितनी मालूम है इसमें इस, इस क्या है इसमें पानी है मैं पी सकता हूं? नहीं तुम आपसे बाहर हो जाओगे मेरी गल गल पर पर रखो रखो बद बद, बद रखो। क्या सवाल है आपका एशियन टाइगर का मतलब है हमारी इकोनॉमी बहुत पावरफुल हो जाएगी मैं तुमको एक बात ये बता रहा हूँ कि जितने तुम्हारे मालूमत है ना उतनी ही रखो उसको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है सतवंजा साल का जो टाइगर है कितने साल का सतवंजा साल का जो टाइगर है जब छोटी सी बिल्ली उसके सामने आती है तो शेर जो है टाइगर ऐसे करके सॉरी कह के इधर उधर निकल जाता है एक बात मेरी समझ नहीं आई कौन सी जब मेरी समझ में नहीं आई तो तेरी समझ में कैसे आएगी ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ये एशियन चूहे निकले क्या कहा आपने ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये एशियन चूहे निकले और एटी रैट रैट का मतलब है चूहा ये किसी जगह डायरी में मेंशन कर लो लिख लो पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो चुहे निकले हॉकी की टीम जो है वो एशियन गिदर निकली एशियन गिदर जी आई डी ए ए आर गिदर लिख लो इसको याद रहेगा दृष्टि होती है इस तरह कंपेयर की और ये जो हॉकी की टीम है ये एशियन गिदर निकली और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एशियन टाइगर और ये जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये एशियन ग्रिकेट निकली दूसरे मुल्कों की पॉलिसिया देख के रंग बदलती है और गलत छोड़ा यार पाकिस्तान जो है जानवरों के लिए बनाया गया था एशियन टाइगर का मतलब है ये एक मिसाल है ओए मार दूंगा तेरे मुंह पे ना करना मेरे साथ में यही उच्ची आवाज में गल ना करना आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल भी। आप भी मैं आप छोड़े बातों को आप भी छोड़े बात आप छोड़े अपनी बात आप पहले छोड़े अपनी बात आपकी आप एक बात अच्छी नहीं लगी मुझे तुम्हारी कई बातें अच्छी नहीं लगी आगे बात करो आप तो तुमको तो पता ना लग जाता क्या पी रहे बता दिया था तुझे पानी है मुझे नहीं तू आपस से बाहर हो जाएगा मुझे तेरी लिमिट्स का पता है बात करने आए इस मुल्क में रहते हैं आप इस मुल्क का खाते हैं हाँ, बिल्कुल खाते हैं इसी मुल्क में रहते हैं मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं कौन सी <coughs> आपने हमारी क्रिकेट टीम को कहा एशियन चूहे बिल्कुल सिर्फ इस वजह से हो रहे आपने जानवर से जानवर मिलाए जा रहे हैं हॉकी में कहा एशियन गिदड़ और क्रिकेट uh, में चुए फॉरेन पॉलिसी में कि हम रंग बदलते हैं देख के आप बात कर रहे हैं हमारे क्रिकेट की हमने यूए को हराया हराया नहीं हराया? किसने? ने। जी। अच्छा। बांग्लादेश को हराया अच्छा हांगकॉन्ग को हराया हांगकॉन्ग की क्रिकेट टीम को हराना किसी चुए काम नहीं है ओ मेरा दिमाग ना खराब करना बताओ एशियन कप खेलने गए गोरे मैनेजर के साथ

ये जो आखिरी शाहीन है ना इसमें बिठा के छोड़ दो इनको छोड़ दो और अमेरिका को बता दो कि सर लास्ट शाहीन विद ऑल स्पोर्ट्समैन ये देखना गिरेंगे इंडिया में अदाकाराओं के ऊपर हम बात कर रहे थे हमारी इकोनॉमी की तुम कब से हम हो गए ये क्या है? तुम कब से हम हो गए को मैं बात कर रहा था इकोनॉमी की मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी तो करो करो मैंने रोका है तुमको आप भी अपने जमाने में एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हो वो जो चुका है मैं उस पर लानत देता हूँ चुका क्या मतलब होता है मैं हूँ रह चुका हूँ मैं हूँ और मैं जब तक जिंदा हूँ इकोनॉमिस्ट रहूंगा क्या किया आपने इस मुल्क के लिए ओए रामलाल क्या किया आपने पाकिस्तान के क्या क्या किया, क्या किया? किया क्या किया ओ किया क्या किया सुन इधरा मैंने पाकिस्तान को मशवरा दिया मैंने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि काला डैम जो है काला की जिंदगी में बना लो उनके इंतकाल के बाद कोई माई का लाल ये डैम नहीं बना सकता और देखो अभी तक कई माई के लाल उस डैम को बनाने के चक्कर में है डैम बड़ा नहीं बड़ा पी देख लें क्या मतलब पी आई ए को देखने PIA PIA अच्छा। और तुम्हारी अंग्रेजी भी कमजोर है तुम्हारा और तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, मैंने क्लियर है अब बोल रहे आ, हाँ। मैं तो कहता हूं कि जो पी आई ए के मुलाजिम है उनको बेच दो इसलिए आधा जहाज जो है वो वहां के मुलाजमनों के रिश्तेदारों के साथ भरा हुआ होता है और अगर उनको बेच दोगे तो पी आई ए के अंदर जो जहाज है उनके ऊपर सारे काम करने वालों के रिश्तेदारों से भरा हुआ नजर आएगा और फुल जहाज जो है अच्छा लगता है इकोनॉमी बढ़ती PIA का शुमार की में होता है आपने कभी पी आई ए में इकोनॉमी प्लस में सफर किया है मेहनत का पैसा है मेरे पास मैंने हमेशा इकोनॉमी माइनस में सफर किया है इकोनॉमी माइनस और जो बात समझ में ना आए तो उसको रिपीट करके अवाम के सामने अपने आप को जहल साबित करने की कोशिश ना करो जो लिखे में सवाल आता हैं दो तो चार तुम्हारे पास वो करो छुट्टी करो जब तक मैं मजिस इकोनॉमिक से निपटता हूँ आप इश्तहार देखें इश्तहारों से पहले हम बात कर रहे थे अपनी एयरलाइन पे इकोनॉमी माइनस मेरी समझ में नहीं आई बात और मैंने भी उसका जवाब तुमको दे दिया था मैंने जवाब ये दिया था कि कोई बात जो समझ में ना आए उसको रिपीट करके लोगों के सामने अपना आपको को जाल साबित करने की कोशिश ना करो आई गेस तुम्हें पढ़े लिखे इंसान हो सत्तर साल का आदमी गुड़ गुड़ करके पानी पी रहा है अच्छा लग रहा है सरी? असल में घर में हमको हुक्का पीने की आदत है आप अपनी गल करो छोटी मोटी चीजों से अपनी जालत को दबाने की कोशिश ना करो पब्लिक को इधर उधर न टलाओ इकोनॉमी में बात करो इकोनॉमी पे सारी दुनिया ये प्रोग्राम देख रही देख रहे तो उसका ताल्लुक वो वो निकालेंगे मतलब मेरी गुफ्तगू से मेरे जवाबात से वो जो है नतीजा खस करेंगे ये गुड़ करने से कोई नतीजा खस नहीं होगा गाल करो स्टिक टू योर स्क्रिप्ट जो सवाल लिख के लाओ वही करो आप नॉर्मल बात क्यों नहीं करते और पाकिस्तान की इकोनॉमी जब अब नॉर्मल है तो नॉर्मल बात मैं क्या करूं? ओ मैं मंगेशकर ने पैंतीस साल पहले गाया था तो पता लग गया ना कि तुझे म्यूजिक से दिलचस्पी है बिल्कुल ठीक है पैंतीस साल पहले लता मंगेशकर ने हमारे स्टॉक एक्सचेंज को देख के ये गाना गाया था मैं तो गिरी गिरी रे कोई संभालो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को देख के लता जी ने गाना गाया था मैं आ, तो गिरी रे गिरी रे गिरी रे कोई संभालो हाँ जी गलत बात कर रहे हैं तुम गलत सोच रहे हो आप गलत बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर सही गलत कर रहे हैं जब अपनी गलती हो तो सामने वालों को कसूरवार न ठहराया करो हमारी स्टॉक मार्केट मैं तो गिरी रे गिरी रे गिरी रे कोई संभालो अंडरकरंट मैंने क्या कहा है मर के भी पैदा हो गए तो तुम इसका नतीजा नहीं अखस कर सकते हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है और जो चीज़ ऊपर जाती है ना फिर वो वापस नहीं आती है फिर उसके कुल पड़े जाते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्टॉक एक्सचेंज से कोई तल्लक नहीं है ये सब झूठ पे मबनी है झूठ पे आप अच्छी बात क्यों नहीं करते मैं मैं देखो मैं क्योंकि जब बात तुमने की है कि कोई अच्छी बात क्यों नहीं करते अब मैं एक शेर में जवाब देता हूं जिस बात में कोई बात नहीं होती है उस बात की बातें होती हैं और जिस बात की बातें होती है उसकी कोई बात नहीं होती कच्चा कर दिया ना मैंने तेरे को आपने इस शेर को कच्चा कर दिया क्या मतलब इसके साथ आपने वो सलूक किया है जो 1947 में अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ किया था 47, 1847. जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती है ये सब बेकार बातें हैं मतलब मफूम समझ में आ गया एक्चुअल चीज होती है वो मफूम होती है मकसूदे मफूम मफूम अदा हो गया समझ लो डिलीवर हो गया सब एक बात जल्दी करो पानी खत्म हो रहा है मेरा एक बात आपको मानना पड़ेगी क्या कि पिछले तीन वर्षों में हमारी इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ा है तोबा करो, तौबा। करो। जाहल लग गया है मुझे हमारी में पिछले तीन साल में फर्क पड़ा है अखबार के अंदर बयान छपता है मुझे क्या पता मैं तो अखबार में सिर्फ बयान पढ़ा था बारह बजे के बाद रात को आउट गोइंग फ्री रोजाना रात बारह बजे से सुबह छह बजे तक मैं घूमता रहता हूं किधर है आउट गोइंग फ्री कौन है आपका दिमाग गंदा है तुम्हारा दिमाग गंदा है तुम्हारा दिमाग गंदा है तुम्हारा दिमाग गंदा इकोनॉमी आउट गोइंग फ्री का क्या मतलब है बकवास नहीं सुनना नहीं चाहता ये तरक्की की निशानी है आउट गोइंग फ्री अच्छा तुम तोहबा करो मुसले पे खड़े हो जाओ अल्लाह मियां सब ने गुड़ाओं की माफी मांगो आउट गोइंग फ्री को तुम कह रहे हो तरक्की की निशानी है आपको एक बात मालूम है कि हम पर कितने कर्जे थे और अब कितने रह गए ओए यही तो सारी बात है ना सही बात बताओ कितने कर्जे थे कितने रह गए ये हमारी इंतजामिया जो है उधर वाशिंगटन में जाके बुश इंतजामिया के सामने जाके गाती है पावल जी माफ कर दो थोड़ा इंसाफ कर दो जितने भी बम रुकवाए उनका हिसाब कर दो पावल जी माफ कर दो जब बहुत गिटार बजते तो फिर पावल कहते जाओ जी माफ किया थोड़ा इंसाफ किया तुमने जो कर्ज लिया था वो तुमको माफ किया जाओ जी माफ किया रटटा तो फिर बुश इंतजामिया हमारी इंतजामिया को देख के गाती है ओई नमीना डी का दम 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 होदाए दमनी का दम 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 तो फिर हमारी इंतजामिया इज्जत मां बुश को देख के गाते हैं ओ मां का ना का ना का ओ मां का ना का ना का ओती का पिकारी का ईना मीना डी का मीना ढ़ाए दा मां का ना का थी का पीकारी का लड़ी का राम पम्पोश राम पम्पो ये कौन करता है ये हमारे सफीर करते हैं। मैं तुझको एक पढ़ा लिखा आदमी समझकर कर यहां बुलाया और देख मैं तुझे एक जाहिल आदमी समझ के इधर आया था आप सिर्फ बात करेंगे हमारी इकोनॉमी पर हमारी इकोनॉमी कैसी है कैसी होगी सतवंजा साल का जो टाइगर है ना वो बैठ के गोश भी नहीं चबा सकता इसलिए कि उसके दांत ही नहीं होते दूध में डबल रोटी मिलाकर खिलाओगे तब वो खाएगा ऐसे ही रहने कैसी तरक्की की है तूने देखा है दुबई को

ये अकेले हरीमून बनाने के लिए अमेरिका और यूरोप जाते थे जब एयरपोर्टों के ऊपर उनकी तलाशियां शुरू हुई जुब्बे उतारे जाने लगे तो, तो, तो फिर नहीं नो वी गो क्या कह सकता हूं आप तो खुशनसीब है आपका बस कम इश्तहार तो देख सकते हैं वक्फफे से पहले मैं अपने मोजिज़ मेहमान जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात कर रहा था सर आपका एक प्रॉब्लम है आप हर सवाल का जवाब उल्टा दे रहे हैं मेरी जान अगर मैंने सीधा जवाब दिया ना तो ये पूरे कौम की चीखें निकल जाएंगी सर मैं आपसे एक बात कहूँ चीन जैसे मुल्क ने भी हमारी इकोनॉमी की तारीफ की है। और चीन को और कोई काम थोड़े रह गया है चीन ने करनी है हमारी तारीफ सारा समय जो है हम उसका लेते हैं चाइना का दोस्तों तुम्हारी इकोनॉमी की तारीफ करनी और फिर जो चाइना जो बोलता है तुमको क्या पता यारिफे कर रहा है कि गलना रहा है जवाब दो जापान कैसा बड़ा मुल्क है हाँ बहुत बड़ा उसने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की तारीफ की है जापान ने जी और उसने तो कर है जिस दिन पाकिस्तान में से टोयोटा होंडा और सुजुकी निकाल दो तो पाकिस्तान की शाराओं के ऊपर गधे चलते हुए नजर आएंगे गधे पाकिस्तान की शाराओं पर गधे चलते नजर आएंगे और मेरा ख्याल है कुछ दिनों की बात है कुछ दिनों के बाद गधे भी नजर नहीं आएंगे इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं आपसे किसने कहा वो मेरा धोबी है वो मेरे पर कर, आया था कपड़े देने के लिए कह लगा जल्दी से कपड़े लो और जल्दी से मुझे पैसे दो इसलिए कि मुझे जाना है अमेरिकन कॉन्सुलेट मेरे गधे का वीजा आ गया है उसके वीजा का लगवाने जाना है आप मजाक कर रहे हैं मैं मैं तुम मजाक करने की क्या जरूरत है गधों से कोई मजाक कर सकता है अमेरिका गधा गधा जो है वो खुद एक सीरियस चीज है गधे से कोई माहौल कर ही नहीं सकता करके देखो किसी गधे से माहौल मगर अमेरिका को गधों की क्या जरूरत हो सकता है वो इराक में अपनी नई फौज भेजना चाहते हो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हाँ क्या कर रहे थे बात कर रहे थे हाँ तो करो मेरे को जाना है मुझे जाना है एआरडी की मीटिंग में ठीक है तुम तो मुझे फोन करके बता देना कि तुमने इकोनॉमी के ऊपर क्या बात की है देखिए आप ऑपोजिशन में तो है और इकोनॉमिस्ट इकोनॉमि है पॉलिटिक्स ना डिस्कस करने लगना बात पे रखो सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर बात होगी डी से इकोनॉमी का कोई ताल्लुक नहीं है और मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि मुझे टेलीफोन के ऊपर बता देना कि तुमने इकोनॉमी के ऊपर क्या बात की यार शर्म की बात है शर्म की बात है अमेरिका पाकिस्तान से गधे मांग रहा है शर्म की बात है अमेरिका पाकिस्तान से गधे मांग रहा है इजाजत दीजिए